मित्रों बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आज के इस आर्य सत्य में मैं आचार्य चंद्रकांत आप सभी का पूरी आत्मीयता के साथ में स्वागत करता हूं। मित्रों मैं आज बहुत ही मजबूरी में ये एपिसोड शूट कर रहा हूं। मजबूरी में इसलिए कि बहुत ही दुख के साथ में, किसी और विषय पर बात करने के लिए मैंने आज का चयन किया था, परंतु मुझे एक ऐसा ईमेल प्राप्त हुआ जिसमें अपने इष्ट देवता के बारे में जानने की जिज्ञासा थी और उन्होंने कहा कि मुझे किस देवता का चयन करना चाहिए, सेलेक्शन। अब आप मुझे बताइए कि हम चयन करेंगे कि किन में से मुझे किस देवता का, उसकी जगह पर शब्द यूज होना चाहिए था मुझे पता नहीं है कि मैं किस इष्ट देवता की पूजा अर्चना करूं, तो कृपया मुझे बताइए। एक तो मित्रों हम बहुत उस वक्त जागते हैं जब पानी हमारे नाक के ऊपर बहने लगता है। हम किसी बात पर विश्वास नहीं करते, ना पुराणों पर, ना वेदों पर, ना धर्मों पर, ना आराधना पर, ना प्रार्थना पर, सिर्फ विज्ञान पर। मित्रों हमारे जो इस कार्यक्रम का उद्देश्य है वो है आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी और साइंस, विज्ञान दोनों का एक समावेश हो। और मेरा निवेदन है कि अगर आपको इस प्रकार के वीडियोस देखने हैं कि 2 मिनट में कैसे करोड़पति बने, ये वीडियो देखने के बाद में आपकी किस्मत चमक जाएगी, तो मेरा निवेदन है कि आप अभी ही इस वीडियो को देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है समय ज्यादा लग जाए। क्योंकि हम पूर्ण तथ्य परक, पूर्ण शोध, पूरी रिसर्च के साथ में ऑथेंटिक जानकारी आप तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। ये 2-2 मिनट के लिए, ये उन लोगों के लिए कार्यक्रम भी ये नहीं है, तो मैं उनसे माफी चाहता हूं। सबसे पहले हम जानेंगे कि इष्ट होता क्या है। मित्रों ये जो इष्ट शब्द है ये डेराइव कहां से हुआ है। इष्ट का मतलब होता है हमारी जो इच्छा है, हम क्या चाहते हैं उसको बोलते हैं इष्ट। तो इष्ट देवता मतलब ऐसा देव जो हमारी इच्छा की पूर्ति कर सके। ये भारतीय मेधा और मनीषा इस बात को, इसको अंगीकार करती है, इसको मानती है। अब चूंकि हम बहुदेववादी हैं, अभी चूंकि नवरात्र चल रहे हैं तो सारे साधक जो हैं वो माता की आराधना में लगे हुए, कोई बुराई नहीं है, बहुदेववाद में बहुत ठीक है सारी चीजें हैं। हम जब हमें जो जिस चीज की आवश्यकता होती है, विद्यार्थी है तो उसे सरस्वती की विद्या की आवश्यकता है, तो जाहिर सी बात है कि उसको सरस्वती आराधना से लाभ होगा ही, सबका मालिक एक है। और कई बार इस पर आपत्ति भी होती है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि एक मान लीजिए यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, तो विश्वविद्यालय में हर प्रकार के सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। मान लीजिए कि मैं साइंस का विद्यार्थी हूं तो मुझे तो साइंस के प्रोफेसर के पास ही जाना पड़ेगा ना, या मैं सीधा वाइस चांसलर के पास चला जाऊंगा। अगर मैं हिंदी का विद्यार्थी हूं तो मुझे हिंदी के प्रोफेसर के पास में जाना पड़ेगा, मैं सीधा कुलपति के पास तो नहीं चला जाऊंगा। मुझे अगर हड्डी की बीमारी है तो मैं हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में अगर जाऊंगा तो मैं हड्डी रोग विशेषज्ञ के पास में जाऊंगा, मैं कोई वहां के डीन के पास में तो नहीं चला जाऊंगा, या मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के पास में तो नहीं चला जाऊंगा। मित्रों सारी जो नदियां हैं वो अंतिम रूप से समुद्र में बहती हैं, समुद्र में मिल जाती हैं, और उनका रास्ता अलग अलग होता है। हमें अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीके से दफनाया जाता है, अलग अलग तरीके से जलाया जाता है। हिंदुओं में शव का अंतिम संस्कार होता है और दूसरे तरीकों में कहीं पर उसको दफनाया जाता है, पर अल्टीमेटली होता क्या है कि ये जो कायनात है, जो ब्रह्मांड है, उसमें हम विलीन हो जाते हैं। सबसे पहले आज हम वो तरीका जानेंगे कि जिन लोगों को अगर ये पता नहीं है कि उनके इष्ट देव कौन से हैं और वो जानना चाहते हैं, तो उसका तरीका क्या है, ऑथेंटिक पूरा एस्ट्रोलॉजिकल तरीके से वो जानने का प्रयास करेंगे। जिनको पता है, जिनके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने बताया हुआ है कि आपके कुल देवी देवता ये हैं, तो वो उसी की पूजा अर्चना कीजिए। मैंने ये देखा है कि जनरली जब लोग मेरे पास में आते हैं तो वो कई बार ये सवाल पूछते हैं कि मेरा इष्ट देव कौन सा है, क्योंकि इसकी पहचान, अभी अगर हम बहुत लंबे समय से पूजा अर्चना करते चले जा रहे हैं पर हमें अगर कोई लाभ नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये आता है कि अरे कहीं मैं गलत देवता की पूजा तो नहीं कर रहा हूं। फिर वो कुछ समय के बाद शिफ्ट हो जाते हैं,
फिर वो सोचते हैं कि अरे अभी भी लाभ नहीं हुआ, तो वो वापस इधर आते हैं कि अरे अब भगवान ने कहीं ऐसा बुरा तो नहीं कर दिया। तो इस तरह की कोई भी बातें, इस तरह की कोई भी शंका संदेह आपको दिमाग में नहीं होना चाहिए। जब हम प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, तब हमें 100% अपना देना चाहिए। तो सबसे पहले वो तरीका मैं आपको बताता हूं कि जैसे आपके पास में ये आपकी कुंडली है, तो आपको क्योंकि ये जो पंचम स्थान है ये देव भक्ति का स्थान है, ये वो स्थान है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमें किस देवी देवता की पूजा अर्चना ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए जिससे हमें लाभ मिलेगा। अगर यहां पर आपके कोई ना कोई ग्रह अगर बैठा है, कुछ जातक होंगे जिनके कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है, अगर बैठा हुआ है, मान लीजिए कि यहां पर सूर्य विराजमान है, तो मित्रों आपको श्री राम की आराधना ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। अगर आपके यहां पर चंद्रमा विराजमान है, तो आपके इष्ट देव हैं शिव जी, महादेव, आपको महादेव की आराधना ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। अगर आपके यहां पर मंगल है, तो आपको हनुमान जी की आराधना ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। अगर आपके यहां पर बुध है, तो आपके इष्ट देव हैं गणपति जी। अगर आपके यहां पर गुरु है, तो भी आपको श्री राम की आराधना ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। अगर आपके यहां पर शुक्र है, तो आपको माता के किसी भी स्वरूप की, शक्ति के स्वरूप की आपको आराधना करनी चाहिए। अगर आपके यहां पर शनि है, तो आपके इष्ट देव हैं भैरव जी, आपको भैरव की आराधना ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। और अगर आपके यहां पर राहु है, मित्रों अगर राहु है, तो भी आपको सरस्वती जी की आराधना ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। और अगर केतु है, तो आपको गणेश जी की आराधना ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। इस सिद्धांत में उच्च का और नीच का ये सिद्धांत यहां पर लागू नहीं होगा, क्योंकि मित्रों अगर आपके कोई गुरु हैं और आप उनके प्रति बहुत श्रद्धा रखते हैं, तो वो अगर फटे हाल भी आपके घर पे आएंगे, तो आप उनको उतना ही सम्मान देंगे। तो ये था सिद्धांत नंबर 1। सिद्धांत नंबर 2 कुंडली वालों के लिए ही है, इसके बाद में मैं बताऊंगा जिसके पास में कुंडली नहीं है वो कैसे पता करे। अगर आपके यहां पर कोई ग्रह नहीं है और कोई ना कोई राशि तो यहां पर विद्यमान होगी ही, अगर 1 यहां पर लिखा हुआ है मित्रों, तो आपको हनुमान जी की आराधना ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। अगर आपने यहां पर 2 लिखा है, तो आपको शक्ति के किसी स्वरूप माता की आराधना ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। अगर आपके यहां पर 3 मिथुन राशि है, तो भी आपके इष्ट देव गणपति जी हैं। अगर आपके यहां पर 4 है, तो आपको शिव आराधना ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। अगर आपके यहाँ पर 5 है, तो आपको भगवान श्री राम का परम भक्त बनना चाहिए। अगर आपके यहाँ पर 6 है, तो आपको गणपति जी की आराधना ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। अगर आपके यहाँ पर 7 है, अगर 7 तुला राशि है, तो आपको माता की आराधना ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। 8 अगर यहाँ पर है, तो आपको हनुमान जी की आराधना ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। 9 अगर है, तो आपको भगवान श्री राम का परम भक्त होना चाहिए। 10 अगर है, और अगर 10 और 11 है, उन दोनों ही स्थितियों में 10 भी है और अगर 11 भी है, तो भी आपको भैरव जी की आराधना ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। और अगर 12 है, तो आपको भगवान श्री राम की आराधना करनी चाहिए। मित्रों ये तो था जिनके पास में कुंडली है। कई ऐसे लोग हैं जिनके पास में कुंडली नहीं है, तो उनके वो कैसे जाने कि उनके इष्ट देवता कौन से हैं? सबसे पहला साइन, जिस किसी भी देवता के आप मंदिर में जाने का प्रयास करते हैं, जिस किसी भी देवता की आप पूजा अर्चना करने का प्रयास करते हैं, उसमें अवरोध आता है। अगर अवरोध आ रहा है, तो आप निश्चित जानिए कि वो ही आपके इष्ट देवता है। आप अगर हनुमान मंदिर जा रहे हैं, कार पंचर हो गई, किसी का फोन आ गया कि भाई वहां पर आ जाइए, कोई चीज कम पड़ गई, कुछ भी हो गया, गाड़ी खराब हो गई, आप समझ लीजिए कि हनुमान जी ही आपके इष्ट देवता है। इसका कारण यह है कि कलयुग में ऐसा कोई काम हो ही नहीं सकता, शुभ काम, जिसमें कि अवरोध ना आए। ये कलयुग चल रहा है,
मित्रों देवी देवता इतने सारे हैं, अवतार हैं, कुछ मूल रूप से हैं, पर आपने कभी एक चीज नोटिस की है कि सबसे ज्यादा मंदिर माता के मंदिर हैं, हनुमान जी के सबसे ज्यादा मंदिर हैं, गणेश जी के सबसे ज्यादा मंदिर हैं, तीनों के इनके आपको सबसे, विष्णु के मंदिर आपको नहीं मिलेंगे, उनके अवतारों के मंदिर मिलेंगे। क्यों है ऐसा? हम लोग हैं मित्रों घोर स्वार्थी लोग। हम अगर ऊपरी बाधा का निवारण करना चाहते हैं तो हम हनुमान जी की शरण में चले जाएंगे। हमारे अगर कार्यों में बार बार बाधाएं आ रही हैं तो हम विघ्नहर्ता गणपति जी की पैरों की आराधना करेंगे। अगर हमें अपने शत्रु का विनाश करना है तो हम माता के चरणों में चले जाएंगे। हम उन देवी देवताओं की पूजा अर्चना कर रहे हैं जो हमारा कोई इमीडिएट प्रॉफिट, कोई इमीडिएट फायदा कर रहे हैं, त्वरित हमें कोई फायदा, इस प्रकार की हमें दिमाग से निकाल देना चाहिए। दूसरा, जैसे ही आपको पता चल जाता है कि ये आपके इष्ट देवता हैं तो आप नियम पूर्वक आराधना करिए। कोशिश ये करिए कि नियम से आप करें, ऐसा नहीं कि मन मर्जी से कुछ भी। हम स्कूल अपनी मर्जी से नहीं जाते थे कि कभी मन मर्जी हुई तो सुबह चले गए, कभी शाम को, कभी दोपहर में, नहीं, उसका एक टाइम फिक्स होता है। हाँ, ये बात दीगर है, अलग है कि किसी जायज कारणवश अगर आपको समय नहीं मिल पाता है, कोई मजबूरी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आप एक नियम जरूर बना के रखें। मित्रों अगर आपको ये जरा भी काम की जानकारी लगी हो, क्योंकि ये बहुत ही रिसर्च के बाद में हम लोग ये टॉपिक्स तैयार करते हैं आप तक प्रस्तुत करने का, ये लास्ट में इस पे कई प्रकार की जब बाधाएं होती है, कई चीज़ें देखी जाती है इंटरनेट से, ग्रंथों से, और फिर उसके बाद में रिफाइन करके जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास होता है। तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, 2 मिनट के चक्कर में वापस कह रहा हूँ आप ना पढ़ें तो ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, और आप सुखी और समृद्धशाली बने रहिए। और अपनी जो भी प्रतिक्रिया है वो आप ईमेल के माध्यम से, अपनी समस्याओं को फोन के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। आप सुखी और समृद्धशाली बने रहिए। धन्यवाद, शुक्रिया।